अन्नी ना पाओ। मेरे यार कहंदे ने राणा जी ए मोर फार्मिंग है कि चोर फार्मिंग, इन्ना मुनाफा। मेरी 50 मझां ने मैनू जलील कर दिता, ओना मुनाफा मैनू 50 मझां च नहीं हुंदा जितना मैनू 50 जोड़ियां च हो जांदा मोरां दे। अजमल भाई तुसा पूरे पाकिस्तान दे विच मोरां दे फार्म वेखे ने, एड्डा वड्डा फार्म पूरे पाकिस्तान दे विच वेख्या मोरां दा। मेरा मोरां दा 500 बच्चा यूके गया बाहरले मुल्क, इन्नी डिमांड पाकिस्तान दे नहीं जितनी बाहरले मुल्क डिमांड मोरां दी। नाज़रीन हम मौजूद हैं खानेवाल के एक बड़े मोरू के फार्म पे, और राणा जी ये मोर फार्मिंग है कि चोर फार्मिंग, इस बात पर खुल के बात करेंगे। पहले पाकिस्तानी व्यूवर्स को अपना तारफ करवा दीजिएगा। राणा वकास, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल भाई जान। अच्छा राणा साहब मुझे ये बताइएगा कि मोरू के कारोबार में कब से हैं? ये 9-10 साल हो गए भाई जान। 9-10 साल के अरसे का खुलासा पेश कीजिएगा और बताइएगा कि 9-10 साल का अरसा कैसा रहा? तो दो तीन साल पहले तो स्टार्टिंग में शुरू किया, उस टाइम तो पता नहीं था, जिस तरह कारोबार में आते गए, बहुत ही अच्छा कारोबार है भाई जान। जब पता नहीं था तो क्या नुकसान किए, और अब पता है तो क्या मरात ले रहे हैं आप? उस टाइम पता नहीं था क्योंकि मोरों का ना इसका अकसाम का, तो आस्ता आस्ता पता लगता गया, फिर पूरे पाकिस्तान में ही मोरों का कारोबार, हर जगह लेना देना, बाहरले मुल्क भी। राणा साहब का दावा है कि इनके मोर के बच्चे सारे पाकिस्तान में ही बड़े बड़े ब्रीडर्स नहीं लिया करते बल्कि बाहर के कंट्रीज़ में भी जाया करते हैं। राणा साहब मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में से मोर बाहर के मुल्कों में जाते हैं? जी भाईजान, हर साल ही जाते हैं, तकरीबन 1000-1500 बच्चा हम अपने फार्म से ही सेल करते हैं हर साल ही, पूरा ब्रीडर भी, बच्चा भी, छोटा भी, हर साइज़ का। राणा साहब तफसील से बताइएगा कि आप बाहर के मुल्कों में मोर के बच्चे खुद भेजा करते हैं कि कोई ब्रीडर लेके जाया करता है? ये ब्रीडर है कराची का, लाहौर के बड़े बड़े ब्रीडर है, वो 1000-2000 पहले ही बुकिंग होती है उनकी, वो आके इस जगह हम पैकिंग करके भेज देते हैं वो। अब नहीं तो फिर आप पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रीडर्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं कि आम पाकिस्तानी भी अगर कोई मोरू का सेट लेना चाहे तो उसे भी दस्तयाब होगा? ये हर पाकिस्तानी के लिए, ब्रीडर के लिए भी, आम पाकिस्तानी के लिए भी, हर खासो आम के लिए आम है भाई। राणा साहब हमारा मकसद लोगों को किसी भी बिजनेस के तारीक पहलू और रोशन पहलुओं के बारे में आगाही देना हुआ करता है। फिर से मुझे बता दीजिएगा कि 8-9 साल के अरसे में कितना कितना नुकसान हुआ और कितना कितना मुनाफा हासिल कर लिया, कोई खुलासा पेश कर दीजिएगा भाईजान। कारोबार में तो नुकसान फ़ायदे तो होते ही रहते हैं, तो पहले कुछ 2-4 साल तो नुकसान ही चलता रहा, पता नहीं था, अब माशाल्लाह तकरीबन 40-50 लाख रुपए की इनकम है साल की हमारी। 40-50 लाख सालाना राणा साहब कमा रहे हैं इस खूबसूरत परिंदे से। 2-3 साल जो नुकसान रहा, फिर से रोशनी डालिएगा कि नुकसान हुआ किस वजह से, मोर्टैलिटी रही या क्वालिटी ख़राब रही? बस क्वालिटी में था, मोर्टैलिटी तो इसकी तकरीबन 100 में से 5% है। अच्छा हाँ, बीमारी का रेशो तकरीबन 50% है, बहुत ही हार्ड है ये। अच्छा चलें, बनता नहीं मुवाजना, फिर मुझे बता ही दीजिएगा कि मोर मुर्गी से मजबूत है कि कमज़ोर? मजबूत है तकरीबन 50-50% है, मुर्गी 50 है, ये 100% मजबूत। और इस बात का थोड़ा सा मुवाजना या मुशाहिदा मैंने खुद किया कि यहाँ पे इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, 45 डिग्री दर्जा हरारत है, गर्मियों का शदीद गर्मियों का मौसम है, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई हवा नहीं, कोई उस तरह से मामलात नहीं, लेकिन इनके मोरों की मोर्टैलिटी फिर भी ना होने के बराबर है। अच्छा मुझे बताइएगा, मोर मुर्गियों से ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा मजबूत है, अंडे का साइज़ उनसे कम या ज़्यादा और अंडों की रेशो उनसे कम या ज़्यादा? अंडों की रेशो तो तकरीबन कम है उससे, वज़न के हिसाब से मुर्गी का 50-60 ग्राम का, इसका 100-120 ग्राम का। अच्छा मोर के अंडे का वज़न 150 ग्राम तक होता है? 150 तक, अच्छा ब्रीडर जो हो, पुरानी मादी हो, उसका 150 ग्राम तक अंडे का वज़न। अच्छा आपने ना एक अजीब बात छेड़ी, आपने खुद ही तज़करा कर दिया कि आपके पास 40-50 भैंसे हैं, दूसरी तरफ ये तकरीबन 100 के करीब मोर हैं, इनके बच्चे बेशुमार हैं। आपने कहा कि आपका डेयरी फार्म लॉस में जा रहा है, आपका मोर फार्म प्रॉफिट में जा रहा है, सर कैसे साबित करेंगे इस बात को? क्योंकि जनवरी से स्टार्ट होके अगस्त नवम्बर तक इसका सीज़न जाता है, ये तकरीबन 100 अंडा एक मोरनी दे जाती है सीज़न का, 6-7 माह में। वो एक बच्चा 2000 रुपये का सेल होता है, एक दिन से लेके 7 दिन का, जीरो साइज़ का।
अच्छा, तो अब लगा लो 100 अंडे में से 80 बच्चे अभी निकले तो कितने बच्चे, 1,60,000 रुपये बन गया एक मोरनी का, अच्छा साल का। तो वो गाय वैसे 1,60,000 रुपये, खुराक भी इसकी लगा लो 50 ग्राम 60 ग्राम डेली की खुराक। 150 ग्राम का अंडा देने वाला ये मोर रोजाना कितनी खुराक खाता है? ये 50 से 60 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा। और इतना वजनी अंडे का चूजा निकलवाते कैसे हैं? आपको इनक्यूबेटर इनक्यूबेटर भी है, नेचुरल भी है हमारे पास, मुर्गी है। किस सोर्स को बेहतरीन माना करते हैं आप? अगर बिजली प्रॉपर है 24 आवर फिर तो इनक्यूबेटर ठीक है, अगर बिजली मुयसर नहीं है फिर नेचुरल मुर्गी होगी, टर्की होगी। अच्छा राणा साहब, खानेवाल में आप मौजूद हैं, पाकिस्तान में और भी बड़े बड़े मोरों के फार्म हैं, लेकिन आपका दावा है कि आपके पास जो क्वालिटी है इस लिहाज से पाकिस्तान में मोरों का आपका सबसे बड़ा फार्म है, भाई क्या क्वालिटी है आपके पास? हमारे पास तकरीबन हर किस्म का मोर है, ग्रीन जावे से लेके बिल्कुल जो ब्लैक बिल्यू इंडियन तक, जो मर्जी कहेगा कस्टमर वो ही मिलेगा। कम से कम कीमत और ज़्यादा से ज़्यादा मालियत वाले मोर कितने हैं आपके पास? हमारे पास ग्रीन जावा के 7 सेट हैं, वो तकरीबन 5 लाख से 6 लाख रुपए सेट का है कीमत, 2 मादी 1 नर की। अच्छा, ब्लैक बिल्यू की 45,000 रुपये है जो आम कॉमन है। मोर का बच्चा अगर कोई बंदा ले जाए तो मोर का बच्चा ब्रीडर कितनी देर में बन जाया करता है? ये 2 साल में अगर अच्छी फीड शीड हो तो 1.5 साल में ही बन जाता है। मुर्गी व्यूवर 6-7 मंथ में तैयार होती है, जबकि मोर का बच्चा ब्रीडर बनता है 2-2.5 साल में। अच्छा, अंडे महाना कितने? महाना अंडे तकरीबन इसका सीजन होता है 6 से 7 माह। 6 से 7 माह, ओके। 100 से अबव अंडा दे जाती है मोरनी एक सीजन में। अच्छा, रिस्क को आपने माइनस कर दिया, आपने कहा बड़ा ताकतवर है। मोर्टेलिटी के खतरनाक जिक्र को खूबसूरती का जामा पहनाकर आपने ये कहा कि मोर्टेलिटी है ही नहीं। मुझे बताइएगा, फिर भी मोर्टेलिटी रेशियो रहती है, अगर रहती है तो किन किन बीमारियों की वजह से? मोर्टेलिटी रेशो भाईजान ये है कि अगर लागर्जी करो ना, वैक्सीन ना करो, उसकी वजह से मोर्टेलिटी तो है। अब जरासीम तो है ना, अगर उसकी वैक्सीन करते रहो प्रॉपर हर 3 माह बाद, कोई मोर्टेलिटी जीरो। 3 माह के बाद मोरू को कौन सी वैक्सीनेशन की जाती है? ये एंडिक्लोन लसोटा, ये आम मिल जाती है मेडिकलों से, रानी खेत वाली। और ये 3 मंथ के बाद लाजमी है? 3 मंथ बाद। हर फीड में भी इनको मुर्गी वाली फीड डाली जाती है? मुर्गियों वाली, ये तो हर चीज खा लेता है, दाने, मिक्स दाना, रोटी, आटा, जो मर्जी डाल दो। किस फीड के साथ बेहतरीन ग्रोथ रहती है और मोर ताकतवर भी रहता है, नशोनुमा भी बेहतर रहती है? ये ब्रैलर वाली फीड, अगर आपके मोर अंडे दे रहे हैं तो ब्रैलर फीड वाली बड़ी अच्छी नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा राणा साहब, ब्रैलर तो बड़ी मसनूई आर्टिफिशियल है, वो जोर से बढ़ोतरी तो होगी लेकिन साइड इफेक्ट्स भी होंगे, क्या कहते हैं? नहीं, साइड इफेक्ट क्योंकि उसके अंदर हर चीज है ना, उसके अंदर हर उनकी एक प्रॉपर किस्म की ना गोश्त की प्रोडक्शन होगी, एग की प्रोडक्शन, इतना बड़ा पूरे पाकिस्तान में चल रहा कंट्रोल शेड ब्रैलर। चले राणा जी, सारी वैक्सीनेशन सारी फीड तकरीबन मुर्गियों वाली है, कोई इलादा से प्रोटोकॉल नहीं, बस ये खुशी है, ये आसानी है कि इनकी खेल ज़्यादा आसान है मुर्गियों की नस्बत। और आपने ये भी बताया कि आपने मुर्गी का फार्म रखा था, बाय बाय कह दिया। जी भाईजान 2 एकड़ में बनाया था हमने, वो भी आपको विजिट कराता हूँ। पहले हमने बहुत नुकसान किया मुर्गियों में, मुर्गियों का काम हमारा शुरू से ही है, 1990 से काम है हमारा मुर्गियों का, ब्रैलर का। अच्छा, तो अब तकरीबन 30 साल हो गए ब्रैलर में ही, मगर हमें कोई पसंद नहीं आया, पैसा भी ज़ाया किया, टाइम भी। चलें, 2 एकड़ का फार्म अगर टाइम हुआ तो हम व्यूवर्स को दिखाते हैं। अब ये बताइएगा कि आपका खूबसूरत मोरों का ये फार्म कितनी जगह पर आपने बना रखा है? ये तकरीबन 1.5 एकड़ बन जाता है सारा ही ना, 1.5। अच्छा, मुझे इनके केजेस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइएगा, और फिर ये बताइएगा कि आपके पास तकरीबन कितने मोर हैं? ये इसकी लंबाई है 10 फुट ऊंचाई, 8x8 का, 8 चौड़ाई 8 लंबाई, और एक पेयर छोड़ा करते हैं उसमें। हाँ, 2 मादी 1 नर। 2 मादी 1 नर, इसे सेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मोरू की दुनिया में राणा साहब बेशुमार वर्जन्स हैं, बेशुमार अकसाम हैं, नस्लें हैं, बंदा गिन ही नहीं सकता, मुझे तो नाम भी नहीं आते, आपको आते होंगे। मुझे बताइएगा आप किन किन नस्लों पे काम कर रहे हैं? हमारे पास ज़्यादा ग्रीन जावा, हम ज़्यादा ग्रीन जावा का ही है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही कम ब्रीडरों के पास है, तो इस वजह से ना ज़्यादा ग्रीन जावा का ही काम है, बाकी कामन तो हर आदमी के पास ही है पूरे पाकिस्तान में, जिस मर्जी के बंदे के पास ले ले। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई बंदा इस फील्ड में आए तो किन नस्लों पे काम करे वो?
अगर कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट है फिर तो ग्रीन जावा पे करे, बाकी आम कॉमन जो ब्लैक बिलियो इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। राणा साहब के खूबसूरत मोरों के व्यूज स्क्रीन पे चल रहे हैं, खुद ही मुलाहजा फरमाइएगा और कमेंट बताइएगा कि राणा साहब के मोर आपको पसंद आए कि ना आए। अब राणा साहब ये बताइएगा, बिजनेस प्लान दीजिएगा ख्वातीन को, मर्दों को, स्टूडेंट्स को, वो कितनी इन्वेस्टमेंट करके किन मोरों पर कितने पैसे कमा सकते हैं? अगर थोड़ी इन्वेस्टमेंट में अगर बच्चे लेके पाले उसमें ही बहुत ज़्यादा मुनाफा, 2000 रुपये का बच्चा लेके दो माह रख के वो 4000 4500 5000 रुपये का इजीली दुकानों पे सेल हो जाता है। दुकानों पे सेल हो जाता है, छोटी छोटी बर्ड शॉप जो आपके इलाके में उसे दे दे वो ही सेल हो जाता है, वो 200-400 रुपये मुनाफा लग के आगे वो सेल कर देगा। अगर कुछ ज़्यादा है तो एक सेट रख लो, दो सेट रख लो, दो सेट से शुरू कर दो, 1,00,000 रुपये से काम शुरू कर दो, इंशाल्लाह तकरीबन हर साल ही ना काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा अच्छा, 8 से 9 साल जो आपने मोरू की दुनिया में देखे, मोरू की डिमांड किसी साल कम भी हुई कि एक जैसी रही? ये शौकीन वाला परिंदा, क्योंकि हर बंदा ही शौक करता है इसे, हर बंदा ही लाइक करता है, इस वजह से डिमांड हमारे पास तो कम नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो बहुत बुरे हैं इस वजह से। चलें राणा साहब, मेरे व्यूअर्स बड़े लाडले हमने रखे हैं, उनको क्या प्रोटोकॉल या क्या कोई रियायत कंसेशन देंगे अगर आपसे राबता करेंगे तो? वो भाईजान कर लेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह कहेंगे वो इस तरह ही कर लेंगे। चलें, आपको पकड़ने का, आप तक पहुँचने का तरीकेकार क्या है? नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, कॉल भी है, जो मर्जी कर लो, अवेलेबल है सब कुछ भाई। चले राणा साहब, एंड पे ना कुछ दिल की बात लोगों को, व्यूवर्स को बताइएगा जो आपके लिए मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। दिल की बात यह है कि शौक करो आस्था, हम भी करेंगे कुछ भाई जान, जो जिस तरह हो मुनासिब। तो पाकिस्तान के सभी इलाकों में सर्दी में गर्मी में मोर फार्मिंग की जा सकती है ना? हर जगह की जाती है, बहुत ही हार्ड है, मरी में भी चल रहा है हमारे, हर तकरीबन हर माह बाद मरी जाता है, कन्फर्म्ड है ये जी। चले राणा साहब, आपके मोर और आप शाद आबाद रहें, खुश रहें, हमारे व्यूवर्स की दुआएं यार आपके साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।